हेलो दोस्तों, मुझे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि सुपर 100 की परीक्षा पहले 25 तारीख को होनी थी, तो उसकी डेट चेंज हो गई है। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूँ जो आपकी सुपर 100 परीक्षा में साथ देने वाले हैं। टोटल 10वीं लेवल से आपका पेपर आएगा, साइंस मैथ और से दोनों सब्जेक्ट से आपका पेपर आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। साइंस में क्या होगा, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी और बायोलॉजी होगी, क्योंकि आपके साइंस में तीनों होते हैं। और मैथ तो आपको मालूम है कि मैथ ही होगी। तो देखिए, आप 2 तारीख को होगा आपका जी का, जी के लिए, जो जी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और 3 तारीख को होगा नीट और क्लैट के लिए, जो नीट और क्लैट के लिए देना चाहता है उनके लिए ये पेपर होगा। तो देखिए, अभी टाइम है, अभी 15 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ गई है, तो आज 10 ही तारीख हुई है, अभी 5 दिन और बाकी हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा दूंगा और इस वीडियो को आप अच्छे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा का पूरा पेपर 10वीं लेवल से आएगा, क्योंकि आपको 11वीं में प्रवेश लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो देखिए, आंसर हो जाएगा किसने, बोहर ने। तो इसमें मैंने आपको नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, जैसे आपको कोई परेशानी है तो आपको लगता है कि आंसर नहीं होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, कैल्शियम कार्बोडाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, एथाइन देता है, क्या देगा, एथाइन, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन देखिए, जो एक ग्लूकोज का सूत्र दिया गया है, शुगर वगैरह हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं, तो ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे चलें, CHO क्या है? ये CHO को अपन एल्डिहाइड बोलते हैं, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, एल्डिहाइड। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब क्या आ गया, CHO क्या है, COOH, एक क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल, ठीक है ना। आगे चलें, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन समवयी है? समवयी कौन है, C2H5OH AlCOHL है, C3CH3OCH एकीटोन है, एक दूसरे के समवयी हैं। इनको अपन, इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, ROR लिख सकते हैं या डैश लगा के लिख सकते हैं, इस तरह अपन इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक बताने हैं अपन को, क्या हो जाएगा, CH4 अपना सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, H, ठीक है ना। आगे चलें, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध किसके होते हैं, C2H2 के 3 आबंध होते हैं, ठीक है ना। कितने आबंध होंगे इसके, 3 आबंध। आगे चलें, अगला प्रश्न है, ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह बताना है अपन को, क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है ना। आगे चलें, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो देखिए, N2 ऐसा अपन नाइट्रोजन लिखते हो, इसके बीच में N और N के बीच में कितने आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, कितने आबंध होते हैं, 3, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, 3 आबंध अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है ना, ये अपना सामान्य सूत्र हो जाएगा। आगे चलिए, एथाइन एल्कोहल का अणु सूत्र है, अब एल्कोहल का सूत्र बताना, सबको मालूम है क्या क्या होता है, C2H5OH, ये अपना एल्कोहल होता है, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी यानी के ग्लूकोज, शर्करा,
ये शर्करा में आ जाती है, तो शर्करा का सामान्य सूत्र हो जाएगा C12H22O11, ये अपना शर्करा हो जाएगा, इसी को अपन चीनी बोलते हैं। आगे चले, अब देखिए CN+H2N+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? अपन ने एल्कीन का देखा था, तो एक किसका हो जाएगा? एल्केन का। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तीन होते हैं अपन, तीनों के सूत्र अपन यहाँ पर देख लेंगे, दो के तो अपन ने देख लिए। अब देखिए ग्लूकोज आ ही गया है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले आया था, तो यहाँ पर फिर से आ गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अब तो आप इसको स्वयं बता सकते हैं क्या होता है, C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6। और एल्कोहल क्या बताया मैं, C2H5OH। अगर एल्कोहल पूछे तो ए वाला हो जाता है, इसने पूछा है ग्लूकोज, तो अपना ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? C OOH, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल, ठीक है ना, ए भी अपन को याद रखता है, ओके। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? कार्बन के अपर रूप है, अपन बिल्कुल आठवीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और हीरा क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है ना, हीरा क्या होता है? कुचालक, और ग्रेफाइट सुचालक। और ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। आगे चले, अल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रिया समूह विद्यमान होता है? तो देखिए OH समूह होता है, क्या है? OH, ए समूह विद्यमान होता है, तो कोई भी अल्कोहल होगा उसमें OH समूह आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे चलिए, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? अब अपन ने N2 के बीच देखा था, अब O2 के बीच देखना है, तो O2 के बीच होते हैं दो आबंध, ठीक है ना, कितने? दो। और N2 के बीच मैंने कितने बताए थे? तीन। तो देखिए यहाँ पर अपन ने लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ऐसे ही अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग अपन 3 तारीख तक बहुत सारे, कम से कम 1000 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को शेयर करना, और PDF फाइल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जीत फॉर यू, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।